जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 38, 39, 40, 41, 42 पर चर्चा करेंगे। ना ही ज्ञान सदृशम पवित्रम इहा विद्यते तत् स्वयं योग समिषिद्ध कालेन आत्मने विद्यन्ति। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस संसार में ज्ञान के समान शुद्ध करने वाला और कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति योग के द्वारा सिद्ध हो चुका है, वह स्वयं समय के साथ इस ज्ञान को अपने भीतर प्राप्त कर लेता है। अर्थात संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई शुद्ध करने वाला नहीं है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के मन और आत्मा को शुद्ध करती है। जब व्यक्ति योग और साधना के माध्यम से आत्म संयम और अनुशासन में सिद्ध हो जाता है, तब वह धीरे धीरे अपने भीतर इस महान ज्ञान को महसूस करने लगता है। यहाँ योग का मतलब सिर्फ शारीरिक अभ्यास से नहीं, बल्कि आत्म संयम ध्यान और आत्म ज्ञान से है। श्रद्धा बल लभते ज्ञानम तत्पर समय इंद्रिय ज्ञानम लब्धवा परम शांतिम चिरणे दिया गच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा, समर्पण और इंद्रियों के महत्व के बारे में बता रहे हैं। श्रद्धावान, समर्पित और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, समर्पण और इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। जब व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतारता है, तो वह ज्ञान के मार्ग पर बढ़ता है और अंत में परम शांति को प्राप्त करता है। अज्ञाश्च श्रद्धा दानश्च संशय आत्मा विनाशयति नायम लोको अस्ति न प्रोन सुखम संशय आत्मना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण संदेह और विश्वास की कमी के परिणामों के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, जो अज्ञानी और श्रद्धाहीन है, वह संदेह करने वाला होता है और वह नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए न इस लोक में सुख है और न परलोक में। संदेह करने वाले को न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में कोई सुख मिलता है। अर्थात जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है और जिनके अंदर श्रद्धा या विश्वास की कमी है, वे संदेह में जीते हैं। यह संदेह उनकी प्रगति और विकास में बाधा डालता है। संदेह से घिरा व्यक्ति सही निर्णय लेने में असमर्थ होता है। संदेह और अज्ञानता व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाता है। योग संन्यास्त कर्माणम ज्ञान सनिच्छन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन अंति धनंजय। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने योग के द्वारा अपने कर्मों का त्याग कर दिया है, जिसका ज्ञान के द्वारा संदेह समाप्त हो चुका है और जो आत्मनियंत्रित है, उसे कर्म बंधन में नहीं बांधते। यहाँ योग का अर्थ है ध्यान और आत्मनियंत्रण, ज्ञान का अर्थ है सही समझ और विवेक, आत्मनियंत्रण का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है। तस्माद् ज्ञानासंभूतम् हस्तम् ज्ञानसिना वर्त्मना चित्वेनम् संशययोगम् अतिष्ठातिष्ठ भारत। इसलिए हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न जो संशय तुम्हारे हृदय में स्थित है, उसे आत्मज्ञान की तलवार से काट डालो और योग में स्थिर हो जाओ। उठो, अर्थात यह ज्ञान से उत्पन्न जो संशय तुम्हारे हृदय में है, उसे आत्मज्ञान की तलवार से काटकर समाप्त करो। जब तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा, तब तुम योग में स्थिर होकर अपने कर्मों को सही ढंग से प्राप्त कर पाओगे। अतः उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।